नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सजाया याफ्ता जनप्रतिनिधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सजाया याफ्ता सांसद विधायकों पर कार्रवाई में लेट लतीफी पर मांगा जवाब। कश्मीर के हालात पर रो पड़ी सीएम महबूबा, सभी दल के नेताओं से शांति बनाए रखने से मांगी मदद। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद लगातार 14 दिन से जारी है कर्फ्यू। यूपी में गाली के बाद गाली पर गरमाई सियासत, मायावती ने कहा गलती के एहसास को दी गाली। जयशंकर की पत्नी स्वाति ने कहा केस करेंगी, बीजेपी भी खुलकर आई सामने। गुजरात के ऊना में पीड़ित दलित परिवारों से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, गुजरात सरकार पर साधा निशाना, कहा दलितों को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। और मुंबई की आदर्श सोसाइटी गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र को सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश, 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द न होने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी ने कहा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट भेजने में देरी की जाती है। गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में जगह जगह हिंसा हो रही है। यहां 14 दिन से लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात सामान्य बनाने के लिए कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं से जम्मू कश्मीर में शांति बनाने में उनकी मदद की अपील की। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भावुक अंदाज में ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि राज्य में शांति हो, इसमें सभी दल उनकी मदद करें। इससे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग का दौरा किया। अनंतनाग एवं कुलगाम जिलों में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। यूपी में गाली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पहले दयाशंकर सिंह की घटिया बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र प्रतिक्रिया के बाद अब मायावती और उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। मायावती ने कह दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने एहसास कराने के लिए विरोध किया है। दयाशंकर सिंह की पत्नी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि परिवार को राजनीति में घसीटने के लिए वह मायावती पर FIR करेंगी। दयाशंकर सिंह के बयान को उन्होंने सही नहीं ठहराया, लेकिन ये कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में अब तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी भी मुखर होने लगी है। बीजेपी कह रही है कि हमने गाली देने के आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, अब BSP भी कार्रवाई करे। गुजरात के ऊना शहर में कुछ दलित युवकों की सरेआम पिटाई पर मचे बवाल के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिले। परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें जेल में उठाकर डाला जा रहा है। गुजरात में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बीजेपी की राज्य सरकार दलित विरोधी है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो दमन की नीति अपना रही है, गुजरात में सभी धर्म जाति के लोग मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। गुजरात की सरकार और बीजेपी दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित दलित को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, दलित पीड़ितों को न्याय मिले और आरोपियों पर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इससे पहले गोरखपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। मंदिर में संतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संत शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे तमाम परोपकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा बदलाव की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा संत आध्यात्मिक नेता भारत को समृद्धि और आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि शौचालय निर्माण के अभियान में कई संतों ने मदद की। मुंबई की आदर्श सोसाइटी में इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है।
मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इससे पहले जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सोसाइटी के गार्ड्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इस बार पहले से ही कई महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज देख रहे सत्येंद्र जैन को शहरी विकास जैसे अहम विभाग का मंत्री बनाया गया है। यह विभाग पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए शहरी विकास विभाग इसलिए मायने रखता है कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास से लेकर उन्हें नियमित करने, एमसीडी को समय समय पर निर्देश देने का जिम्मा भी इसी विभाग के पास है। गौरतलब है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब सत्येंद्र जैन को दिल्ली के हिसाब से अहम परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिवहन विभाग में प्रीमियम बसों को लेकर हंगामा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोपाल राय से विभाग लेकर जैन को थमा दिया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।